नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 9 से जारी मतदान शाम 4 बजे तक होगा। 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। सबसे ज्यादा 10 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा और फिर पल्लवी पटेल उनसे नाराज हो गई। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में सपा के 10 विधायक बीजेपी को वोट कर सकते हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी ने कल विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 8 विधायक वहां नहीं पहुंचे थे। ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इस बीच खबर आ रही कि समाजवादी पार्टी विधायकों को मनाने की कोशिश में लगी हुई। वहीं सीएम योगी ने अपना वोट भी डाल दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्यसभा चुनाव पर कहा है कि हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं या गड्ढे खोदते हैं, वो खुद ही उसमें गिरते हैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, जिन्हें कुछ लाभ मिलना होगा वो चले। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के तीनों जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते, तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए राज्यसभा के लिए मतदान जारी है। प्रदेश में जारी मतदान के बीच एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक और नेता मनोज कुमार पांडे ने समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही कि मनोज पांडे क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। राज्यसभा चुनाव पर भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि भाजपा के 8 उम्मीदवार हैं, सभी जीत कर दिल्ली जाने वाले हैं। जिनको डर था कि सुबह से ही गा रहे हैं कि भाजपा ने उनके विधायकों को छीन लिया है, उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। किसी पर आरोप लगाने से पहले ये भी देख लें कि आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाहते हैं। अखिलेश यादव को बहाना देने की आदत पड़ चुकी है। 2017 में बहाना दिया, 2019 में दिया और अब 2024 में भी एक और बहाना देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 कैंडिडेट हैं और 8 के 8 अब दिल्ली जाने वाले हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जिनको डर था वो सुबह से ही गा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनके विधायकों को छीन लिया है। अब जो इस तरह की बातें करें तो इसका मतलब उन लोगों को अपने घर को संभालना नहीं आया। तो समाजवादी पार्टी किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना चाहती है तो पहले तो ये भी तो देखें कि आपका घर सीधा है कि नहीं है, आपके घर के सदस्य क्यों आपसे भागना चाह रहे हैं। हमें तो नहीं पता हमने क्या किया है, लेकिन कोई डालना चाहता है तो हमारी नीतियों से अच्छा होएगा है, मगर हम संतुष्ट हैं कि हमारे 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाने वाले हैं। सपा से कई विधायक जयश्री राम के नारे लगा रहे हैं, के लिए प्रलोभन दे रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ विधायक टूट रहे हैं। अब ये जो होता है ना, ये जब हार होती है ना उसके पहले बहाने होते हैं, तो वो बहाने दे रहे हैं। अब उनको बहाने देने की आदत मेरे ख्याल से बहुत दिनों से पड़ चुकी है अखिलेश जी को। 17 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, बीच में एमएलसी होते हैं, राज्यसभा होते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है। अब 24 में भी एक और बहाना देंगे। सपा के कई नेता जयश्री राम के नारे लगा रहे थे। अब जयश्री राम का कोई भी नारा लगाए तो ये तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो अखिलेश जी को भी कहते आ रहे हैं, हाउस में भी क्या भैया अखिलेश जी नारा लगा दो जयश्री राम का, वो लगाने को तैयार ही नहीं है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव पर यूपी के मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद का कहना है कि हमारे 8 उम्मीदवार जीतेंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत है। हर जनप्रतिनिधि अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्र में विकास और सुरक्षा चाहता है। निश्चित रूप से मेरा जो 8वां कैंडिडेट है वो जीतेगा, चूंकि संख्या बल हमारे पास है, बहुमत हमारे पास है, सारे लगभग दल हमारे पास है, और विपक्ष का एक दल बचा हुआ उसके अंदर भी, चूंकि जब दल हमारे साथ आ गए तो विधायकों के दिल भी आ जाते हैं, और निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि प्रदेश में विकास चाहता है, अपने क्षेत्र में विकास चाहता है, अपने समाज और अपने क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि चाहता है और सम्मान चाहता है, ऐसे में ढेर सारे विधायक वोट करेंगे। देखिए, बम्पर वोटों से भारी अंतर से जीतेंगे हम लोग। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद आरएलडी विधायक गुड्डू चौधरी ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश के अनुसार हमारे 9 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है।
अध्यक्ष ने जो आदेश किया उसका पालन किया है, एनडीए को वोट दे के आए सारे के सारे नौ विधायक। कुछ बातचीत हुई है लोकसभा चुनाव में सीटों को? ये हमारा मसला नहीं है, हम पार्टी के सिपाही हैं, सिपाही को का जो कर्तव्य होता है उसे हम निभा कर आए। हमारा कैप्टन क्या कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन रिश्ता तो दोतरफा चलता है ना, आप लोगों ने तो वोट दे दिया, बदले में क्या मिलेगा, इसको लेके कुछ बातचीत हुई या कुछ? ये इसका जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी देंगे। मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दिया, उस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, वो सपा का मैटर है, अभी हमारे पास में इस तरीके की कोई सूचना है आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, हमें कोई जानकारी नहीं। समाजवादी पार्टी के लोकदल ने परिवर्तन 2024 विजय संकल्प महारैली का महाउद्घोष चौधरी विजेंद्र सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा से हुंकार भरी है। हजारों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार को एक बार किसानों को लेकर सोचना चाहिए, चाहे एमएसपी की बात हो या विकास की, क्योंकि विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक नजर नहीं आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना तो सरकारी फैक्ट्री है ना ही कोई अच्छी सड़क है। पूरा बिजनौर लोकसभा से आया है और सब यही चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। 100 से भी ज़्यादा गांवों से जो प्रधान आए हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है, ऐसा पहली बार किसी महारैली में हुआ है कि 100 से भी ज़्यादा प्रधान आकर पूरे गांव की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। 800 गांवों की जो जनता आई वो साफ संदेश देकर गई कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब लोकसभा बिजनौर में बदलाव होगा और नया परिवर्तन होगा। जनता की उम्मीदों पर किस तरीके से खरा उतरेंगे? जनता के साथ विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी, देश विदेश से इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया जाएगा, जो आज बिजनौर लोकसभा एक बहुत ज़्यादा मानसिक, सामाजिक और पिछड़ेपन से गुजरा है, अब इस परिवर्तन से वो बदल जाएगा। आपके द्वारा दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, एक तो पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच और मेरठ को राजधानी बनाने की बात कही गई है, इसका क्या मूल मंत्र है? क्या देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, आप सब लोग गवाह हैं। जनता को इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर खाने पड़ते हैं, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, इसलिए मेरठ हाई कोर्ट की स्थापना यहीं पर होनी चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश का नया नाम गंगा प्रदेश होना चाहिए। विजेंद्र जी, जिस तरह से किसान दिल्ली की तरफ लूट कर और आपने एमएसपी की बात भी, क्या कहा जाए? देखिए, मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा, पूरे किसान भाइयों की तरफ से, लोकदल पार्टी की तरफ से, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा। आप महंगाई दर के हिसाब से उसका रेट तय करें और उसको अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करने दे। आज किसान जागरूक है, इकट्ठा है, एकत्रित है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। वो 93 साल के थे और शफीकुर रहमान बर्क लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें मुरादाबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। बर्क के निधन से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। दरअसल पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी भी बनाया था। बताया जा रहा है कि बीमारी की वजह से उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बर्के के परिवार में एक बेटे के अलावा पोता और पोती भी हैं। इस समय उनका पोता विधायक है, वहीं पोती डॉक्टर है। शफीकुर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था। वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। शफीकुर रहमान बर्क 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रहे हैं। उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर 1996 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वही 2014 में बसपा से लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसमें शरीर के पार्टी से काम नहीं कर रहे थे,
यहाँ पर इलाज लोकल यूनिट में इससे ऊपर फ्लैट लिखते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा थी। आज सुबह मॉर्निंग में जो नियति को होता है, जो डस्टबिन होती है, उसमें बेस्ट ऑफ द थिंग्स जो उनकी अच्छी से चौदह तक रखे हैं परिवार लोग पहले लोगों ने जो हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा जागरूक किया, लेकिन एज भी थी और सारे अंग जो काम नहीं करते मल्टीपल बोलते हैं कंडीशन। लालू परिवार के करीबी संदेश विधायक किरण देवी और पूर्व विधायक अरुण यादव के आवास पर ईडी ने रेड किए। पुलिस के भारी दल के साथ इस रेड को अंजाम दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की मनाही है और जानकारी के मुताबिक तकरीबन 10 अधिकारी सहित तो भारी संख्या में पुलिस बल किरण देवी के घर में मौजूद है। छापेमारी आरा में गढ़ही थाने के अगियाओं स्थित आवास पर हुई है। यूपी के शाहजहांपुर थाना कांठ के जरावन गांव में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, जहां हाईस्कूल के पेपर देने जा रहे छात्र छात्राओं ने कार का टायर फट गया और टायर फटने से अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। तेज रफ्तार के चलते कार का टायर फट गया। वहीं कार में सवार चार छात्र छात्राओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार 7 लोग घायल हुए हैं और मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। देखिए, लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अभी वहां भी हुआ था, आज जरवन में जो हुआ वो ड्रिंक किए हुए था ड्राइवर, वो डिटेन किया गया है और पूरी सतर्कता कर रहे हैं। डेली हम लोग चालान ओवर लोडिंग में कार्रवाई कर रहे हैं सर, उसकी संख्या हम बता भी सकते हैं। कुछ पब्लिक को भी अवेयरनेस की जरूरत है इसमें, और जो घटना हुई बहुत दुखद है। हमने अभी घायलों को देखा, प्रॉपर उनका इलाज चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 4 कैजुअल्टी हुई है और भी जो अनमन्य होगा जो बनता होगा उसको भी हम लोग। जनपद शाहजहांपुर के थाना कांठ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरावन में आज सुबह एक ऑटो गाड़ी जिसमें कि 10 छात्र छात्राएँ सवार थी, जो परीक्षा देने के लिए जैतीपुर जा रहे थे, उस गाड़ी का अचानक अगले पहिए का टायर बस्ट हो जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई पलट गई, जिसमें कि 4 छात्र छात्राओं की, जिसमें 2 छात्राओं की मृत्यु हो गई है, 6 लोग इंजर्ड हैं, जिनका कि अस्पताल जिला अस्पताल शाहजहांपुर में इलाज चल रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।